मुसलमानों को ये लोग टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं ये लोग। जातिवादी कौन बांटा? कांग्रेस ने बांट दिया। कांग्रेस तो कौन बांटा? हरजन बनाया, दलित बनाया, कौन बनाया? नेहरू जी बनाया। आरक्षण विरोधी ये लोग हैं, भाजपा वाले। यही देश के पार्लियामेंट में जब चल रहा था तो मोदी जी ने आरक्षण का विरोध किया था। मोदी जी ने विरोध किया था? हाँ भाई, कहता है मोदी हटा, मोदी क्या हटेगा? कहीं नहीं। अभी नंबर वन में सुपर पावर भारत अभी चल रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कुर्सी हमारे चाहिए, तो हमारा कहने के माध्यम, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आरजेडी में वैसा कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है कि यादव ने कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो सम्राट चौधरी का बहुत अच्छा कहा है, उसी के समाधान चलना चाहिए बिहार में। तो आप मानते हैं कि जो जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है वो सही है? बहुत अच्छा है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? ना, बदलाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो जैसा भीमराव अम्बेडकर साहब बनाए हैं उसी अनुसार चलना चाहिए। क्या से 3 महीना 4 महीना बाद नीतीश कुमार को वापस आना ही आना है अपने घर वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में एक तरफ चुनाव है और तृतीय चरण की चुनाव जो है आज संपन्न हो गई है, लेकिन बयानबाजी का दौर जो है लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव का आज बयान आता है कि मुसलमान को आरक्षण मिलनी चाहिए, और इसके बाद जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो एकाएक लालू यादव पे टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि ये लोग जो है जंगल राज फिर से लाना चाहते हैं। तो आज तमाम मुद्दे पे हम पहुंचे हैं आम पब्लिक के बीच, आम पब्लिक के बीच जानेंगे कि आरक्षण का जो है लाभ किसे मिलना चाहिए और लालू प्रसाद यादव के बयान को कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने कहा है किसी भी सूरत में हम लोग जो है आरक्षण मुसलमान को नहीं देंगे। तमाम मुद्दे, आइए हम आम पब्लिक से बात करते हैं कि आम पब्लिक का इस पर क्या मत है, क्या कहेंगे। सम्राट चौधरी कहे हैं कि किसी भी हाल में हम लोग आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव कहे हैं मुसलमान को आरक्षण मिलेगा, आप कैसे देखते हैं इसको? आरक्षण का जहां तक सवाल है तो आरक्षण विरोधी ये लोग हैं, भाजपा वाले। यही देश के पार्लियामेंट में जब चल रहा था तो मोदी जी ने आरक्षण का विरोध किया था। मोदी जी ने विरोध किया था? हाँ भाई, मोदी जी सदन में कहे हैं, और इनके तमाम नेता भी आरक्षण के विरोधी हैं। किसी भी जाति, धर्म, मजहब का जो भी मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग हैं, जिनको जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल रहा है, उसी हिसाब से मिल रहा आरक्षण। अब आरक्षण पर मुद्दे पे लाकर देश की जनता का ध्यान को भटकाना चाहती है भाजपा। भाजपा मोदी जी भटका रहे हैं। लालू यादव भी तो बोल रहे हैं कि आरक्षण मुसलमान को मिलना चाहिए ना। अब मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, तो संविधान हमारा जो है जो कहेगा वो ही ना करेंगे। संविधान में जो भी ऊपर ई है उसको देखा जाएगा, उसी हिसाब से आरक्षण मिलता है। तो मुसलमानों को आरक्षण मिलने का जो भी पैरवी कर रहे हैं, वो लालू यादव हो, कांग्रेस, जो भी सर्कुलर पार्टी है देश की, जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बीजेपी करे वोट बैंक के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, लालू आरक्षण का सबसे पहले मामला आपने लाया भाई देश में कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आरक्षण किसको मिलेगा किसको ना मिलेगा, आप मुसलमानों का नाम लेकर देश में मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी आज बोल रहे हैं कि आर्थिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आते हो, आरक्षण उस आधार पर मिलता है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं उसी का आरक्षण मिलेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आपके पास कितना? इधर सुनिए ना, मैं एक मुसलमान हूँ, सोशल मीडिया के आप प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, मेरा नाम हुआ MD साहिद जमाल, समझ गए। मैं आरक्षण का भूखा नहीं हूँ। आरक्षण आपको मुबारक हो, आप जिसको देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी दीजिए, हैं, हमें कोई आरक्षण से मतलब नहीं है। हमको अपने देश से प्यार है, हम अपने देश हमारा कैसे डेवलप करे इसके बारे में हम सोचेंगे। विकास से मतलब? अरे विकास बुनियादी समस्या से मतलब है। देश हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, हैं, तमाम जो बुनियादी समस्या है बिहार में, बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, हैं, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया कब आएगा, हैं, स्विस बैंक में काला धन कब आएगा। ये तमाम बुनियादी समस्या है ना, बुनियादी समस्या से ये प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के चाटोकार भटकाना चाहते हैं, और मुसलमानों को ये लोग टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं ये लोग। क्या कहेंगे, ये बोल रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे, मुद्दा से भटका रहे हैं। पहले तो हिंदू वादी होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदू कथा हिंदुस्तान, तो हिंदू राष्ट्र है।
कहने का मतलब जाति बाती कौन बांटा? कांग्रेस ने बांट दिया। कांग्रेस बांटा तो कौन बांटा? हाँ। हरजन बनाया, दलित बनाया, कौन बनाया? नेहरू जी बनाया। उसके बाद बना दिया बैकवर्ड और फॉरवर्ड, कौन बनाया? तो हिंदू का फॉरवर्ड को लेकर पढ़ रहा है कॉलेज में, और जो सुअर चरा रहा है वो उसका स्कूल नहीं है। आज का मेरा जो मुद्दा है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी कहे हैं कि किसी भी सूरत में संविधान जो लिखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से छेड़छाड़ नहीं होगा, जो आरक्षण जिसको मिल रहा है वही मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं। जब भीमराव अम्बेडकर साहब को मान लिया जाए, देश मान लिया, तब बनाया संविधान, तो उनको संविधान पर चलना है। आज जो भी संविधान बनाए भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने, लोग चल रहा है ना, उसको क्या क्या कहा के लिए मिटाएगा? कभी कभी संशोधन तो होता है ना, ये लोग भी करते हैं ना। देखिए संशोधन किए, अच्छा हुआ था ना, तब बोले हैं। अब देखिए चाहता है मोदी हटा, मोदी क्या हटेगा? अभी नंबर वन में सुपर पावर भारत अभी चल रहा है। ये जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो बीटो पामर जो कदा की लगाने के लिए उस पास पांच आदमी के पास था बीटो पामर, अब भारत के पास नहीं है। संघ राष्ट्र में लड़ाई लड़ रहा है ना जी। तो आखिरी सवाल पे आते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए धर्म के आधार पे या आर्थिक आधार पे, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उसको? देखिए आरक्षण तो जैसा भीमराव अम्बेडकर साहब बनाए हैं वैसी अनुसार चलना चाहिए। क्या कह सही कह रहे हैं क्या? अब बहुत अच्छा है, वैसा ही चलना चाहिए सरकार। सरकार अपने बस से थोड़े अथी करेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए बयान दे रहे क्या? देखिए वोट बैंक चाहे कुछ, हर नेता अपना राजनीति करबे करता है। मैंने जो सम्राट चौधरी का बहुत अच्छा कहा है, उसी के संविधान चलना चाहिए बिहार में। आप मानते हैं कि जो जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है वो सही है? बहुत अच्छा है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? ना बदलाव नहीं होना चाहिए। इधर बताइए सुना कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कुर्सी हमारे चाहिए। हाँ। तो हमारा कहने के माध्यम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आरजेडी में वैसा कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है कि यादव ने कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और दूसरे को मौका देना चाहिए, जरूरी है। नहीं नहीं, ये तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को हमेशा बना है, वो खुद बनना नहीं चाहते हैं। अभी भी अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं आज तो तेजस्वी उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ अभी भी उन्हीं को बनाएंगे। हाँ स्वीकार करेंगे, उनके लिए तो बोला गया दरवाजा खुला हुआ। एक बार ये भी बात जान लीजिए, आज से तीन महीना चार महीना बाद नीतीश कुमार को वापस आना ही आना है अपने घर वापस, एकदम वापस। आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, मुसलमान अल्पसंख्या है बिहार में, ठीक है ना, उनको आरक्षण शुरू से मिला हुआ, इसमें कोई छेड़छाड़ वाली बात नहीं है। ये मोदी जी जो बोलते हैं ना, ये खाली माइंड को डिस्टर्ब करने वाले, यानी कि मुद्दा को कैसे भटकाया जाए ताकि लोग विकास की बात ना कर सके, शिक्षा की बात ना कर सके, महंगाई की बात ना कर सके, हर एक चीज के बारे में। हाँ मुद्दा से ये भटकाने वाली बात है, कभी भी उनके मुँह से कभी भी कुछ नहीं सुने हुए इतने दूर में भाषण में, कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तो कभी कहते हैं हिंदू का लिंक कांग्रेस के साथ है, तो पाकिस्तान के साथ में है, यही चीज बता के आदमी को दम डिस्टर्ब किया हुआ है। यानी कि अली इस बार नहीं कोई चांस है मोदी जी का, इस बार जनता समझ चुकी है। सब सहमत है इनके बात से? एकदम सहमत नहीं है। कैसे? क्योंकि मोदी इस बार आएंगे, हर बार आएंगे, 400 पार है। अच्छा आरक्षण की बात पे आप क्या कहेंगे? आरक्षण कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी कहे हैं कि जैसे आरक्षण मिल रहा है आर्थिक आधार पे, गरीब के आधार पे, उसी तरह से मिलेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा संविधान में। नहीं ये सही बात है, आरक्षण की जहाँ बात है वो गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे जनरल हो, हर किसी को मिलना चाहिए आरक्षण। क्यों जनरल में आरक्षण नहीं होता है? बहुत गरीब होता है लेकिन उनको नहीं मिलता है कि नहीं? अब देखिएगा, क्योंकि हम खुद जनरल से हैं, ऐसा नहीं है कि हम जनरल से हैं तो ही बोलने वाले हैं। हम जिस गांव से हैं वहां ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब, लेकिन उन लोगों को आरक्षण मिला नहीं है। किनको मिलता है? जो अति पिछड़ा वर्ग रहते हैं, जो एससी एसटी रखते हैं, हमारे घर के बगल में जो गाँव है एससी एसटी, उनके बहुत मेरे मकान से दो महल्ला तीन महल्ला, लेकिन उन लोगों को आरक्षण मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन लोग एसटी हैं और उन लोग क्यों जनरल हैं, इसलिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो उस कैटेगरी में आता हो, किसी भी धर्म, जो किसी धर्म से हो, जो किसी समुदाय से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आम पब्लिक थे, हमने इसे बातचीत की आरक्षण के मसले पे, लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, तमाम मुद्दे पे हमने बातचीत किया है। तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं, खास करके जो वर्तमान में चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए ये लोग विकास की बातें नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है, आरक्षण जो है वो जिस प्रकार से चल रहा है आर्थिक आधार पर, जो समाज
में गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिलनी चाहिए और उसी आधार पर चलेगा आरक्षण में, कोई जो है संशोधन नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तमाम तरह की बातें पब्लिक करते नजर आए, आप भी सुने होंगे क्या कुछ करते हैं आम पब्लिक, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।